बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे पाव भाजी मसाला। ये हमारे पास सब्ज़ी हैं, छोटी सी बंद गोभी हैं, दो अदद हरी प्याज है, तीन गाजर हैं, चार पांच आलू हैं, दो शिमला मिर्च और थोड़े से मटर। ये वाली सब्ज़ी हम डालेंगे। मसाले की रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों को। ये देखिए, ये वाली सब्ज़ी मैंने अलग काटी है और ये वाली जो है अलग, इतनी बारीक बारीक चॉप करनी है सारी। ये आलू भी और ये टमाटर हैं तकरीबन चार से पाँच अदद ये, और मटर भी मैंने छील लिए हैं। और गोभी का जो है ये वाइट वाला जो सख्त वाला पार्ट होता है ना, ये मैंने निकाल दिया है। इसको भी मैं बारीक बारीक चॉप करूँगी। ये गोभी है हमारे पास, इसको भी बारीक बारीक चॉप करूँगी। ये देखिए, आलू भी मैंने छोटे छोटे काट लिए, बंद गोभी भी और गाजर भी। अब जो ये टमाटर रह गए हैं और ये वाली मिर्ची वो प्याज है, इसको भी बारीक काटूँगी ऐसे ही। ये हमारे पास एक टेबल स्पून ज़ीरा है, ये सौंफ है एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून सूखा धनिया है, इसको हम भूनेंगे हल्का सा। और जो मसाले हैं, एक टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है एक टेबल स्पून, और नमक भी एक टेबल स्पून है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, और ये मेथी दाना है हाफ टी स्पून। गरम मसाले में लौंग है, काली मिर्च है, और दालचीनी, और ये बड़ी वाली इलायची, और ये है हमारे पास अदरक का पाउडर, और एक टेबल स्पून है हमारे पास पीली मिर्च, और ये दो हैं हमारे पास तेज़पात के पत्ते ये वाले, और थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और ये एक टेबल स्पून खटाई पाउडर, और हाफ टी स्पून है ये काला नमक। और बाकी और मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर जो मेरे पास जो सब्ज़ी है ये तकरीबन ये आधा किलो के करीब सब्ज़ी है, इसके लिए ये बनाया मैंने मसाला। ये भी मैं सारा आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक टेबल स्पून ज़ीरा है, ये सौंफ है एक टेबल स्पून सूखा धनिया है, इसको हम भूनेंगे हल्का सा। और जो मसाले हैं, एक टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है एक टेबल स्पून, और नमक भी एक टेबल स्पून है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, और ये मेथी दाना है हाफ़ टी स्पून। गरम मसाले में लौंग है, काली मिर्च है, और दालचीनी, और ये बड़ी वाली इलायची, और ये है हमारे पास अदरक का पाउडर, और एक टेबल स्पून है हमारे पास पीली मिर्च, और ये दो हैं हमारे पास तेज़पात के पत्ते ये वाले, और थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और ये एक टेबल स्पून खटाई पाउडर, और हाफ टी स्पून है ये काला नमक। और बाकी और मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर जो मेरे पास जो सब्ज़ी है ये तकरीबन ये आधा किलो के करीब सब्ज़ी है, इसके लिए ये बनाया मैंने मसाला। ये भी मैं सारा आपको दिखाती हूँ। ये हमने भून लिए थे और ये सारे साबुत मसाले भी डाल दिए, इसको हम बारीक पीस के पाउडर बना लेंगे। अब ये मसाला हमने पीस लिया है, अब ये बन चुका है पाव भाजी मसाला। ये हम सारे इसमें डाल देंगे, जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब डाल देंगे। आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से तो दो टेबल स्पून डाल लें, तीन डाल लें, जैसे भी डाल लें। ये सब चीज़ें इसमें डाल के इसको करेंगे मिक्स। कसूरी मेथी भी डाल देंगे इसमें और इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये सारा मसाला सब्ज़ी में यूज़ करेंगे, देखते हैं कितना जाएगा हमारी सब्ज़ी में। तीन से चार टेबल स्पून तो तकरीबन जाएगा। आकर रख लीजिए जब भी सब्ज़ी बनानी हो, आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लें, जो जो बताइए उसको डबल डबल कर लें। इसमें कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार है, पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये बन चुका है हमारा पाव भाजी मसाला। आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, अगर ये वाली सब्ज़ी बनानी है इसमें डाल सकते हैं। देखिए कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त कलर वाला बना है, ज़बरदस्त कलर आया। अब इसे हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। ये हमने एक कप पानी, पूरी सब्ज़ी, और दो चम्मच हमने इसमें ये पाव भाजी मसाला डाल के, और इसको हम स्टीम करेंगे। जब ये स्टीम हो जाएगा फिर शुरू होगी ये रेसिपी। अभी हमें इसे गलाना है। ये इसमें साथ ही हम टमाटर भी डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से टमाटर भी गल जाएंगे। इसको हम ढक देंगे। ये देखिए, हमने तकरीबन इसमें एक कप के करीब पानी डाला था, कुछ इसमें से निकल गया, टमाटर भी डाले थे ना, ये स्टीम आ रही है इसके ऊपर। और अब इसको हम दूसरे बॉल में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसे दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना है। और इसमें हम डालेंगे पहले घी, और फिर आगे दिखाते हैं और क्या करना है।
ये हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें घी डाला है और ये मक्खन डाला तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और ये सब्ज़ी हमने अलग से निकाल ली है। अब जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें करेंगे ये शिमला मिर्च और ये हरी प्याज, ये फ्राई करेंगे पहले। कलर नहीं आना चाहिए इसमें, सिर्फ हमने फ्राई करना है इसको। बस इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे और फिर ये दूसरी जो हमने सब्ज़ी निकाली है पका कर इसमें हम डाल देंगे उसको। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो है पाव भाजी है, जो इसके साथ जो है बन जो होते हैं ना पाव, जो मैंने वड़ा पाव के साथ बनाए हैं वो वाले सर्व होते हैं, मगर मैं इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करूँगी। आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी, जैसे आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं। और ये जो मसाला है ये तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून यूज़ होगा, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी स्पाइसी बन मक्खन से है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल से। अब ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको सिर्फ फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें डालेंगे ये वाली सब्ज़ी और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब ये वाला मसाला भर के 2 टेबल स्पून में और डाल दूँगी ताकि अच्छा स्पाइसी सा बन जाएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये काफ़ी रहेगा। अब इसे हम 5 मिनट और ढक के पकाएंगे ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। जो हमने मक्खन डालना ना उसकी वजह से थोड़ा सा पानी पानी हो गया, तो ये सारा खुश्क हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। अब हमने क्या करना है, इसको सोई को निकाल देंगे बाहर। और इस तरह की आपके पास घोटने वाली चीज़ हो या मैशर हो ना आपके पास, तो उससे आपने अब ऐसा करना है, इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इसका अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो सारी गल चुकी हैं। तो अब आपने ये करना है, चूल्हे को हमने कर देना तेज़ ताकि अच्छी तरह से पानी सारा खुश्क हो जाए। हम पाव भाजी के जो है इसके साथ सर्व करेंगे तंदूर की रोटी, जिसको हमने मक्खन लगा के सेक लिया, घी से सेक लिया आप। और ये देखिए हमारी पाव भाजी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको ज़्यादा मैच नहीं किया, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा किया है। इसके साथ हम सर्व करेंगे इसको। थोड़ी सी हमने सलाद बनाई है, ये मिर्ची फ्राई की हैं 4। ये देखिए पाव भाजी तैयार हो चुकी है हमारी और मैंने इस पर थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है। मैंने सलाद बनाई है, हरी मिर्ची फ्राई की हैं, ये मैंने तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व किया है, ये मैंने फ्राई की है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी है और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और सर्दियों की है, और सर्दियों में ये वाली सारी सब्ज़ियाँ मिल जाती है आसानी से। तो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।